आज माँ दुर्गा के प्रांगण में महाअष्टमी में डलिया चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। पूजा समिति के सदस्य एवं पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से डटे हुए हैं। शांतिपूर्वक भक्तों ने डलिया चढ़ाया और माँ की पूजा अर्चना। वहीं जिला मुख्यालय के सरकंडा में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से लेकर अब तक भक्तों का लगा हुआ है तांता। अष्टमी पर माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा होती है। इस दिन सुहागन अपने सुहाग के रक्षा के लिए माँ गौरी को लाल चुनरी अर्पित करती है। मनोकामना पूर्ण हेतु डलिया चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कितना देर से लाइन में है? हम तो आधा घंटा से हैं। क्या लग रहा है, कब तक दर्शन कर पाएंगे? यहाँ लाइन में रह के बड़ा अच्छा दर्शन करने का मौका मिला। आप लोग यहाँ कितने बजे से हैं? हम लोग यहाँ 6 बजे से हैं। भीड़ को नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं। अभी तक लगभग कितने लोग पूजा कर चुके होंगे? अभी तक लगभग 30,000 से ज्यादा और अभी 50,000 तक जाने का उम्मीद है। और लोगों के लिए विशेष सुविधा क्या है? लाइनों का सुविधा किया है जिससे चोरी चैन छिनताई जिससे रोका जा सके। विधि व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। 100 रुपया देकर शीघ्र दर्शनम है। जिनको कोई शारीरिक कष्ट हो या वो लाइन में नहीं लग सकते हैं, धूप में खड़े नहीं हो सकते हैं, उनके लिए 101 रुपया का शीघ्र दर्शनम, उनको 101 रुपये का शीघ्र दर्शन करा के वो मंदिर के अंदर जाने का अनुमति मिल जाता है। इस दुर्गा मंदिर में काफी देखते हैं कि भीड़ है अन्य दुर्गा मंदिर के हिसाब से, क्या विशेष व्यवस्था है इस भीड़ को देखते हुए? विशेष सादगी के साथ पूजा हो रही है। 10 दिन से माँ का नवरात्र चल रहा है और 10 दिन यहाँ बहुत सादगी के साथ पूजा होती है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से भीड़ नियंत्रित है और सब व्यक्ति लाइन लगकर अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं। विशेष दशमी के दिन रावण पुतला दहन है और एकादशी के दिन परंपरागत तरीके से गाजे बाजे के साथ मैया की। बना के मुझे अपने द्वारे तू ले